आज वीवो ने भारत में अपनी X50 सीरीज को कर दिया है लॉन्च, और इस सीरीज में है दो स्मार्टफोन, एक है वीवो X50 और दूसरा है वीवो X50 Pro। ये दोनों फोन चाइना में पिछले महीने लॉन्च हो गए थे और आज हिंदुस्तान में लॉन्च हो रहे हैं। आज के इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं अनबॉक्सिंग और फर्स्ट इंप्रेशन वीवो X50 का। कैमरा पे तो काफी जोर लगा रही है कंपनी, कह रही कैमरा ये है वो है, लेकिन कैमरा के अलावा भी स्मार्टफोन में और भी चीजें होती हैं। क्या क्या है इसमें अच्छाइयां और क्या क्या है इसमें कमियां, देखते हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं द मोबाइल इंडियन, और आज जैसे कि बता चुके हैं आपको दिखाने वाले हैं अनबॉक्सिंग और फर्स्ट इंप्रेशन वीवो X50 का। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ नोटिफिकेशन का बेल दबाना मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं वीवो X50 के प्राइसिंग और अवेलेबिलिटी की। वीवो दो वेरियंट्स में लॉन्च हुआ है, एक में आपको मिलेगा 128 GB और दूसरे मिलेगा 256 GB इंटरनल मेमोरी, और जो रैम है वो दोनों में कॉन्स्टेंट है 8 GB। ये जो फोन है ये आपको 24 जुलाई से अवेलेबल हो जाएगा ऑनलाइन मार्केट में भी और ऑफलाइन मार्केट में। और अब बात कर लेते हैं प्राइसिंग की। जो 8 GB प्लस 128 GB वेरिएंट है उसका दाम रखा गया है 34,990, और जो 256 GB वेरिएंट है उसका दाम रखा गया है 37,990। मेरे हिसाब से प्राइसिंग थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि अब जब नॉट भी लॉन्च होने वाला है उसका प्राइसिंग देना पड़ेगा कि कितना कॉम्पिटिशन इस सेगमेंट में बनता है। तो फ्रेंड्स, आप सबसे पहले बात कर लेते हैं आपको इसके बॉक्स के अंदर क्या मिलेगा। फ्रेंड्स, आपको ये बता दें ये जो फोन है ये मेक इन इंडिया फोन है, इसमें बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो लोकली इंडिया से सोर्स किए गए थे। और अब बात कर लेते हैं बॉक्स के अंदर और क्या क्या चीजें हैं आपके पास। बॉक्स के अंदर आपको मिलता है फोन, एक सिलिकॉन केस, एक पावर अडाप्टर जो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, एयरफोन्स, टाइप सी केबल, यूजर मैनुअल और सिम इजेक्टर पिन। फ्रेंड्स, वीवो X50 काफी स्लिम एंड ट्रिम फोन है और इसे होल्ड करने में काफी मजा आता है। ऐसा कहीं पर भी नहीं लगता है कि जो फोन है आप एक हाथ से रीच नहीं कर सकते। कोई भी बटन हो, चाहे पावर बटन हो या वॉल्यूम रॉकर हो, आप आराम से एक हाथ से उसको रीच कर सकते हैं, और ये हाथ में आपके बड़े कंफर्टेबली फिट हो जाता है, और एक बार भी ऐसा नहीं लगता है कि काफी भारी भरकम फोन आपने लेके रखा हुआ है। तो लुक एंड फील और होल्डिंग में ये फोन काफी अच्छा है। फ्रेंड्स, वीवो X50 में आपको मिलता है 6.5 इंच का डिस्प्ले, और ये एमोलेड डिस्प्ले है, और ये जो डिस्प्ले है ये लिया गया है सैमसंग से। और अगर बात कर लें इसके रिफ्रेश रेट की, ये वाला फोन सपोर्ट करता है 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, और जो उसका टच रिस्पांस रेट है वो 180 हर्ट्ज है। उसके अलावा फ्रेंड्स एक और चीज बता दें कि जो इसका जो डिस्प्ले है काफी ब्राइट लगा हमें, पंची लगा, इवन ब्राइट लाइट में भी रीडेबिलिटी में कोई इशू नहीं आया। और इसमें अगर आप मूवीज देख रहे हैं या कुछ पढ़ रहे हैं या कुछ पिक्चर्स देख रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस काफी अच्छा। और फ्रेंड्स यहां पर एक और चीज बता दें कि ये थोड़ा सा स्लाइटली कर्व डिस्प्ले है, और जो मेजर प्रॉब्लम होती है कर्व डिस्प्लेस के साथ कि अगर आपकी उंगलियां टच हो जाती है, जब फोन को पकड़ रहे होते हैं साइड में हमेशा टच हो जाती है, तो कोई ना कोई एक्शन होने लगता है या पेजेस मूव करने लगते हैं। तो यहां पर ये बड़े अच्छे से मैनेज किया गया है, जो साइड में अगर आप इसको होल्ड कर रहे हैं आपके टच हो रहे हैं, एक्सीडेंटल टच जिसे कहते हैं, उससे कोई भी एक्शन नहीं होगा। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं सिक्योरिटी की इस फोन की। इस फोन में आपके पास फेस अनलॉक फीचर है और फिंगरप्रिंट सेंसर भी है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फिंगरप्रिंट सेंसर की। फिंगरप्रिंट सेंसर में हमें कोई तकलीफ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमेशा जब भी फिंगरप्रिंट लगाया फोन ओपन हो गया। लेकिन अब फेस लॉक की बात करते हैं। फेस लॉक का फीचर हमें काफी अच्छा लगा, क्योंकि आप जो आप देख रहे हैं एकदम पिच डार्कनेस में हमने फेस अनलॉक यूज करके फोन को ओपन किया, और वो बहुत ही अच्छे से ओपन हो गया बिना किसी इशू के। ये एक अच्छी बात इस फोन में दी गई हुई है। फ्रेंड्स, वीवो X50 बेस्ड है 730 प्रोसेसर पे, ये एक नया प्रोसेसर है, और ये जो फोन है दो मेमोरी वेरिएंट्स में आता है। एक में आपको मिलता है 128 GB की इंटरनल मेमोरी, और दूसरे में मिलती है 256 GB की इंटरनल मेमोरी। और ये दोनों वेरिएंट्स हैं इनमें रैम कॉमन है, यानी कि आपको मिलेगा 8 GB का रैम। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बता दें कि दोनों फोनों में कोई भी मेमोरी कार्ड का स्लॉट नहीं है, यानी कि आप इस फोन में
कोई भी माइक्रो एसडी कार्ड लगा नहीं सकते। जो स्लॉट्स दिए गए हैं उसमें आप खाली दो सिम कार्ड्स लगा सकते हैं। फ्रेंड्स अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो मुझे ओवरऑल एक्सपीरियंस तो फ्लूइड लग रहा था, कोई इशू नहीं आ रहा था, लेकिन कभी कभी मुझे लग रहा था कि एक ऐप खोल रहे हैं फिर दूसरा ऐप खोल रहे हैं उसके बीच में लैग नजर आ रहा था, और कभी कभी ऐसा लग रहा था कि जब स्वाइप कर रहे हैं डिस्प्ले को उसमें भी हल्का सा लैग नजर आ रहा है। पर यह बता सकता हूं कि कंटिन्यूसली हमें लैग नजर नहीं आ रहा था, बीच बीच में ये लैग नजर आ रहा था। फ्रेंड्स वीवो ने काफी हल्ला मचाया था कि इस फोन के कैमरा को लेके। तो अब कैमरा की बात करते हैं, और कैमरा की बात करते हैं सबसे पहले बात कर लेते हैं कैमरा यूआई की। तो कैमरा यूआई का अगर देखें तो इसमें आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं, नाइट मोड, पोर्ट्रेट, फोटो, वीडियो, मोर, मोर क्लिक करेंगे उसमें और मल्टीपल ऑप्शन मिलेंगे। लेकिन मुझे ये लगता है जो इनका जो ऐप इंटरफेस है, कैमरा ऐप इंटरफेस है, काफी ज्यादा क्लटर्ड है। एक तो नीचे पहले पूरा लिस्टिंग देकर रखी हुई है, उसके ऊपर बगल में एक छोटा सा बटन दिख रहा है लेंस, उसको आप क्लिक करेंगे तो आपको तीन और ऑप्शन मिल जाएंगे, सुपर वाइड एंगल, बुके, सुपर मैक्रो। तो बहुत ज्यादा क्लटर करके रखा हुआ है, और खासकर जो नीचे जो मेन्यू देके रखा है उसमें वो रूलर की तरह एक लाइन देके रखी है, वो भी दिखने में थोड़ा सा उठपटांग लगता है। ऐसा लग रहा है कि जैसे वॉल्यूम ऊपर नीचे करने के लिए कुछ लाइन देके रखी है। और फ्रेंड्स यहां पर एक और चीज बता दें कि इस फोन में डेडिकेटेड नाइट मोड भी है, और जब आप उसको एक्टिवेट करेंगे तो आपको पिक्चर्स थोड़ा टाइम के बाद क्लिक होंगी, क्योंकि थोड़ा टाइम लेता है प्रोसेसिंग करने में। लेकिन अगर आप सेम पिक्चर नाइट शॉट वाला पिक्चर नॉर्मल फोटो मोड में लेंगे वो भी टाइम ले रहा है प्रोसेसिंग में। ये थोड़ा अटपटा लग रहा है कि जब डेडिकेटेड नाइट मोड देके रखा हुआ है तो इसमें प्रोसेसिंग टाइम क्यों ले रहा है। और मुझे लगता है कि इसमें बहुत सारे ऑप्शंस को कम कर दिया जा सकता था, क्लटर फ्री बनाया जाता, एकदम क्लीन यूआई रखा जा सकता था। तो फ्रेंड्स अगर आप फोटोग्राफ्स की बात कर लें तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डे लाइट शॉट्स की। डे लाइट शॉट्स हमें काफी अच्छे लगे, कोई इशू नहीं आया, पिक्चर्स काफी अच्छे आए हैं। और लेकिन सिर्फ एक चीज थी, जो कलर्स थे वो थोड़े से दो शेड डार्कर थे, जो ओरिजिनल कलर थे उससे हमें थोड़े डार्क लग रहे थे। और सेल्फीज की अगर बात करें, डे लाइट में शॉट्स काफी अच्छे आए हैं। थोड़ा इशू हमें लग रहा था पोर्ट्रेट शॉट्स में, पोर्ट्रेट शॉट्स में हमें ऐसा लग रहा था कि बार बार लगातार एक ही टाइप का रिजल्ट हमें नहीं मिल रहा था, कभी अच्छा आ रहा था और कभी पोर्ट्रेट या बुके इफेक्ट किक इन होने में टाइम ले रहा था, वो थोड़ा सा अटपटा लग रहा था। एक कंटिन्यूअस हमें एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा था, स्मूथ एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा था। और अगर मैक्रो शॉट्स की बात करें, मैक्रो शॉट्स से हमें काफी प्रॉब्लम हुई, क्योंकि एक सबसे पहले तो फोकस करने में काफी टाइम ले रहा था, और फोकस करने के बाद जो शॉट्स आ रहे थे वो इतने लाजवाब शॉट्स नहीं आ रहे थे। और अगर नाइट मोड की बात करें, नाइट मोड में डेफिनेटली कैमरा काफी अच्छे पिक्चर्स खींचता है और पिक्चर्स देखने में काफी मजा आता है, कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा जबरदस्ती करके लाइटिंग करें, एकदम बैलेंस लाइटिंग हो रही है। बट ये है थोड़ा अगर आप जूम वूम करके देखेंगे थोड़ा सा आपको नॉइज और पिक्सलेशन नजर आएगा, लेकिन ओवरऑल पिक्चर्स नाइट में काफी अच्छे खींच रहा था। फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले सैंपल देख लेते हैं जो हमने इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की थी यूजिंग रियर कैमरा और फ्रंट कैमरा। सिर्फ हम शॉट देख रहे हैं, ये इसके हमने रियर कैमरा से रिकॉर्डिंग की है, और जो ऑडियो है वो भी इसी फोन से रिकॉर्ड किया जा रहा है। फ्रेंड्स अभी आप जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं वो फ्रंट कैमरा की है, और माइक भी इसी का यूज हो रहा है। यहाँ पर आप ये बता दें कि हमने कोई भी गिम्बल नहीं यूज किया है इसको रिकॉर्ड करने के लिए, हैंडहेल्ड शॉट है ये। फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं वीवो X50 में हमें क्या क्या इश्यूज फेस हो रहे थे। ये जो फोन है ये बेस्ड है फ्रंट एज ओएस पे, जो कि बेस्ड है एंड्रॉइड 10 पे। दो पर्टिकुलर ऐप्स जिससे हमें इश्यूज लगने लगा वो था गैलरी ऐप और थीम्स ऐप। जो गैलरी ऐप है वो काम आता है जब भी आप कोई पिक्चर्स खींचते हैं और जाके देखना चाहते हैं क्या खींची है आपने, तो गैलरी ऐप में जाते हैं, डिफॉल्ट ऐप है इसका। आप चाहे तो गूगल का ऐप भी यूज कर सकते हैं, लेकिन डिफॉल्ट ऐप इसका गैलरी है। उसमें क्या होता है, जब भी आप उसको एक्सेस करेंगे वो बोलेगा पहली बार कि भैया परमिशंस दो स्टोरेज की। जेन्युइन, बिल्कुल सही है, स्टोरेज की परमिशन उसे चाहिए ताकि आप जाके उसको चेक कर सके पिक्चर्स। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि स्टोरेज की परमिशन देने के बावजूद भी हम गैलरी ऐप को एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। तो फिर हमने सेटिंग्स में गए, परमिशंस देखी, तो परमिशंस में देखी तो दो और चीजें लिखी हुई है, कॉन्टैक्ट और फोन। तो हमने क्या किया कि फिर से इसमें फोन की परमिशन दे दी। तो जब फोन की परमिशन दे दी तो हम गैलरी ऐप को एक्सेस कर पा रहे थे। यहां पर यह समझ में नहीं आ रहा था भैया फोन की परमिशन क्यों चाहिए ऐसे, और जब भी हम इस ऐप को एक्सेस करते वो ये क्यों बोल रहा था कि स्टोरेज की परमिशन चाहिए, जबकि स्टोरेज की परमिशन दे चुके थे। तो बोल कुछ रहा है, परमिशन कुछ और मांग रहा है। और जो दूसरा इशू हमें नजर आया और एग्जैक्टली डिटो सेम इशू नजर आया वो था थीम्स ऐप के साथ। वो भी कहता है कि स्टोरेज परमिशन दो, और बार बार जब एक्सेस करने की ट्राई कर रहे हैं तो कह रहे हैं नहीं
नहीं है नहीं है नहीं है स्टोरेज के लिए, जबकि स्टोरेज दे चुके थे, उधर भी उसको सेम फोन की परमिशन चाहिए। और फ्रेंड्स आपको यहाँ पर ये बता दें, ये वाला जो इशू है खाली इसी फोन के साथ नहीं है, कुछ साल पहले Xiaomi के फोन से भी ये इशू आ रहा था और उन लोगों ने फिर बोल दिया था नहीं हम इस चीज को देख रहे हैं और इसके लिए एक अपडेट इशू कर देंगे। तो यहाँ पर भी आई थिंक वीवो को एक अपडेट इशू करना चाहिए कि क्लियरली बोलना चाहिए कि फोन की परमिशन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि फोन की परमिशन जरूरत नहीं है और जो गैलरी ऐप है बिना फोन परमिशन दिए ओपन होना चाहिए। फ्रेंड्स इश्यूज की लिस्ट में हमारे पास एक और इशू है। इस वाले फोन में दो फोल्डर्स आपको मिलते हैं, एक मिलता है हॉट एप्स और एक मिलता है हॉट गेम्स। बेसिकली इसमें ऑलरेडी प्रीलोडेड कुछ एप्स डाल के रखे हुए हैं, तो अगर यूजर चाहे तो उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमें लगता है अगर कोई बंदा 30,000 से 35,000 रुपए किसी फोन में खर्च कर रहा है, वो इतना समझदार तो है कि वो मालूम है उसको ऐप कहां से डाउनलोड करते हैं और कौन सा उसे ऐप चाहिए। किसी भी कंपनी को इस टाइम पे ऐसे प्रीलोडेड करके ऐप्स फोन में नहीं डालना चाहिए। और इसमें वैसे कुछ कुछ प्रीलोडेड ऐप आ ही रहे हैं, उनमें से एक टिकटॉक है, वो दूसरी बात है कि वो ऐप चलेगा नहीं और आप उसे डिलीट कर सकते हैं। फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं ऑडियो क्वालिटी की। ऑडियो क्वालिटी में सबसे पहले बात कर लेते हैं फोन कॉल्स की। जब भी हम किसी को फोन मिला रहे थे हमें तो आवाज ठीक ठाक लग रही थी, लेकिन जो दूसरा बंदा था जिसको हमने कॉल मिलाई थी वो शिकायत कर रहा था कि आवाज अच्छी नहीं आ रही है, थोड़ी सी मफल्ड अप आवाज आ रही है और क्लियरली आवाज नहीं आ रही है। और ये एक के साथ नहीं, मल्टीपल लोगों के साथ हमने जब बात की तो उन्होंने यही कंप्लेन बताई है, तुम्हारी आवाज ढंग से नहीं आ रही, तुम क्या है कुछ नॉइजी वॉइजी सिनेरियो में है। और फ्रेंड्स सेकंड बात, अगर स्पीकर की हम बात करें, जो स्पीकर से साउंड आ रहा आउटपुट वो भी काफी अच्छा था, उसमें कोई इशू नहीं थी, लाउड था क्लियर था। और एयरफोन्स अगर यूज करके, जो इस बॉक्स के अंदर आपको एयरफोन्स मिले, अगर उनको यूज करके भी अगर हम ऑडियो सुन रहे थे तो उसमें भी कोई शिकायत नहीं आ रही थी, इनफैक्ट काफी अच्छा लग रहा था और क्लैरिटी थी ऑडियो की वो काफी बेहतरीन थी। फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं इस फोन की बैटरी की। इस वाले फोन में आपको 4200 मिली एम्पीयर की बैटरी मिलेगी और जो बॉक्स के अंदर आपको चार्जर मिलता है वो है 33 वॉट्स का वीवो फ्लैश चार्ज, जो कि फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। जो हमारा यूसेज रहा है उसमें हमने देखा कि ऑलमोस्ट एक दिन का टाइम हम आराम से निकाल पा रहे थे इसके एक फुल चार्ज में। अभी तक हमने दो बार ही बैटरी को रिचार्ज कर पाए थे अपने रिव्यू के दौरान, तो इसलिए अभी पूरा एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि चार्जिंग टाइम कितना रहा, क्योंकि एक दो बार उसको स्टेबलाइज होनी चाहिए। मे बी जब रिव्यू हम इसका करेंगे तब उसमें आपको डिटेल में बताएंगे कि कितना चार्जिंग टाइम लग रहा है और हैवी यूसेज में कितना आउटपुट मिलता है आपको। तो फ्रेंड्स अब बारी आ गई है इस डिवाइस के Vivo X50 के फर्स्ट इंप्रेशन के। तो हम ये कहेंगे डिजाइन वाइज एंड लुक इन फील वाइज ये फोन काफी अच्छा है, काफी इंटरेस्टिंग है और होल्ड करने में काफी अच्छा है। हम यहां तक कह सकते हैं ऑफ रेट जितने भी 30,000 के रेंज में जितने स्मार्टफोन्स लॉन्च है डिजाइन के मामले में काफी अच्छा है। और अगर बात कर लें इसके जो यूएसपी, जो कंपनी के हिसाब से यूएसपी है कैमरा, उसमें मुझे लगता है कि अभी भी कुछ कुछ चेंजेस की जरूरत है, कुछ सपोर्ट की जरूरत है, खासकर बुके में, पोर्ट्रेट शॉट में जरूरत है अपडेट्स की। नाइट शॉट्स काफी अच्छे आते हैं और डे लाइट शॉट्स भी काफी अच्छे आते हैं, थोड़ा सा कलर करेक्शन होता है, एक टोन डार्कर होता है, लेकिन ओवरऑल ठीक है। लेकिन उसके अलावा जो कैमरा का जो ऐप है वो काफी क्लटर्ड लग रहा है, बहुत सारे ऑप्शंस देके रखे हुए हैं और इतने सारे ऑप्शंस देके यूजर को परेशान करने की जरूरत नहीं थी। और दूसरी बात अगर कर लें कि परफॉर्मेंस की, परफॉर्मेंस हमें ओवरऑल ठीक ठाक लगी, लेकिन बीच बीच में हमें कहीं ना कहीं लैग नजर आ रहा था, खासकर ऐप्स के बीच में, ऐप्स को ओपन क्लोज करने में। और उसके अलावा जैसे हमने आपको पहले हाईलाइट कर चुके हैं कि दो ऐप्स गैलरी और थीम जो परमिशंस मांग रही है उसके साथ भी हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि फोन की परमिशन इन दोनों ऐप्स को जरूरत नहीं है और वो ये मांग रहा है और दिखा कुछ और रहा है, क्योंकि जब आप उसको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे जो वहां पर मैसेज प्रॉप्ट होता है कि भैया स्टोरेज के एक्सेस दो, पर स्टोरेज तो भैया दे चुके हैं, जो आप मांग रहे हो इस टाइम परमिशन वो है फोन की परमिशन। तो दिखाया कुछ जा रहा है वहां पर और दिया कुछ जा रहा है, ये एक और इशू लगा। लेकिन ओवरऑल अगर बात कर लें फोन काफी अच्छा लग रहा है, एक वेल बैलेंस फोन लग रहा है। ऑडियो में डेफिनेटली थोड़ा सा इशू आ रहा था हमें, खासकर कॉल्स में, लेकिन होपफुली वो कोई अपडेट आएगा तो उसके बाद शायद वो ठीक हो जाए। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको हमारा आज का ये वाला वीडियो जो हमने आपको दिया है Vivo X50 का फर्स्ट इंप्रेशन और अनबॉक्सिंग? अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता ही बनता है, और अगर आपके कोई सवाल है या प्रश्न है इस फोन से जुड़े कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, कोशिश करेंगे उनका जवाब आप तक जल्दी पहुंचे। तो जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।